बीजेपी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उद्धव को जवाब दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव पूरी तरह से हताश व निराश हैं। उन्होंने ठाकरे से पूछा कि क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद उनके विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया था? गठबंधन तोड़ने के बाद नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, फिर हमारा साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, किसने किसके पीठ में छुरा घोंपा, फिर चुनाव याद नहीं आया। बुधवार को गोरेगांव में गट प्रमुखों को संबोधित करते हुए उद्धव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य नेताओं पर हमला बोला। शिंदे सरकार को अवैध बताते हुए इस्तीफे की मांग की, साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। उद्धव ने रैली में कहा कि फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह बीएमसी का चुनाव अपना आखिरी चुनाव समझ कर लड़े। मैं आपसे कहता हूँ कि आप यह अपना पहला चुनाव समझ कर लड़े, जहाँ खोने को कुछ नहीं है। इस तरह से बीजेपी को धूल चटाएं कि यह फडणवीस का आखिरी चुनाव बने। इस पर फडणवीस ने जवाब में कहा कि आपने 2019 में ही मुझे ख़त्म करने की कोशिश की, तीनों मिलकर पिछले 2.5 साल में मुझे ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए, आगे भी आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। उद्धव ने रैली में कहा कि बीजेपी और शिंदे गुट ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। इसके जवाब में फडणवीस ने कहा कि 2019 में उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़कर जो महाविकास आघाड़ी के साथ सत्ता स्थापित की, तब उन्होंने भी बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपा था। इसके अलावा बुधवार की रैली में उद्धव ने यह भी चुनौती दी कि हिम्मत है तो शिंदे गुट और बीजेपी 1 महीने में बीएमसी का चुनाव करवाएं, और दम है तो साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव करवाएं। इस पर फडणवीस ने कहा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर साथ छोड़ दिया, तब क्यों नहीं चुनाव करवा लिए। फडणवीस ने ठाकरे से पूछा कि क्या उनके विधायकों ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद इस्तीफा दिया था और नए सिरे से चुनाव का सामना किया था। कालचं भाषण म्हणजे निराशेचं अरण्य रुदन होतं। माझा सवाल त्यांना असा आहे, आम्ही तर लेजिटिमेटली आणि लीगली निवडून आलो, मात्र ज्यावेळी आमच्या सोबत निवडून येऊन आमच्या पाठीत खंजीर तुम्ही खुपसला, त्यावेळी का राजीनामे दिले नाहीत, त्यावेळी का निवडणुका घेतल्या नाहीत? तुम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत आला नव्हता, तुम्ही आमच्यासोबत निवडून आला होतात, मोदीजींचा फोटो लावून निवडून आला होतात। हिम्मत होती तर त्यावेळी राजीनामे देऊन निवडून यायचं असतं आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जायचं असतं। त्यामुळे मला असं वाटतं की कालचं जे भाषण होतं, निराशेचं भाषण होतं, ते असंही म्हणाले की देवेंद्र फडणवीसांची शेवटची निवडणूक वगैरे। मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता आहे, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। तुम्ही 2019 ही माझा शेवट करण्याचा प्रयत्न केला, तिघांनी मिळून एकत्रितपणे 2.5 वर्ष मला संपवण्याचा प्रयत्न केला, पण संपवू शकला नाही, यापुढेही संपवू शकणार नाही। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।